15 लीटर का डब्बा मिल जाता तो अच्छा होता। पिछली बार भी खत्म हो गया था, पता नहीं कहाँ रखा है। प्लीज बताओ ना क्या हुआ। मुझे मार देगा, मार देगा वो, मुझे मार देगा। कौन मार देगा तुम्हें? यही तो सीढ़ियों के पास था, मुझे मार देगा, मार देगा वो मुझे। Excuse me? वहाँ तो कोई नहीं है। वो भाई है, वो भाई है। क्या हुआ? क्या हुआ? ये कह रही है कि इसे कोई मारना चाहता है। कौन मारना चाहता है आपको? किधर है वो? यही था वो। मुझे मार देगा, मैं क्या करूँ? किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन मारना चाहता है आपको? मेरे पति, मुझे मारना चाहते हैं। मुझे देखिए आपको कुछ नहीं होगा। आप प्लीज उठिए, आप प्लीज उठिए यहाँ से। आप तो ये मुझे मत छूना, वो मुझे मार देगा। आप जानते नहीं, वो मुझे मार देगा, मार देगा मुझे, मार देगा मुझे, मार देगा मुझे। समझ गई, थैंक यू। ओके मनोज, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? ये जगह तो काफी महंगी लग रही है। तो क्या हुआ भाई, मेरा मन किया मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह लेके आऊं, मैं ले आया। अभी तुम जल्दी से ऑर्डर प्लेस करो, बगैर प्राइसेस की तरफ देखे। ओके वैरायटी है यहाँ पे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। तुम ही कुछ मंगवा लो ना। ठीक है, मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, तुम अपनी सॉफ्ट ड्रिंक खत्म करो ना। अभी तक वो यही है सर, जाने से मना करें। एक मिनट सिटी आप लोग। एक्सक्यूज मी, हाय, मेरा नाम अनुष्का है, तुम्हारा नाम क्या है? कल्पना। देखो मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम इतना डरी हुई क्यों? वो मेरे पति मुझे मार देना चाहते हैं। कल्पना एक्सक्यूज मी, कल्पना तुम ठीक हो ना? एक मिनट, कौन हो तुम? जी, मेरा नाम शरद है, मैं इनका पति हूँ। और आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। तुम्हारी पत्नी का कहना है कि तुम इनका खून करना चाहते हो। ये मेरे पति हैं और ये मुझे मार देना चाहते हैं।
मुझे जिंदा नहीं छोड़ने से चांस मार देगी, ये मेरी पत्नी। सर आप उन रेस्टोरेंट वालों को छोड़िएगा नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग। मैंने सुजीता के लिए अपनी अंगूठी डाली थी और उस ग्लास से निकला क्या ये कटी हुई उंगली। और अगर मैं वो जूस पी लेती तो सुजीता अरे ओके पानी पीजिए प्लीज। थैंक यू सर, भले ही ये केस आपके लिए छोटा हो मगर उन लोगों को सजा जरूर दिलवाइएगा। मैंने बोला कि पुलिस को बुलाओ, उल्टा उन लोगों ने हमें उस रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया, कहते हैं कि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये उंगली उठा ली ताकि सच्चाई का पता चले। सर ये असली है। हाँ ये उंगली लगती तो असली है लेकिन ये है किसकी? सर हो सकता है किचन में काम करने वाले किसी वर्कर की हो, तेज धार वाली छुरी से कट गई हो। नहीं दे, किसी की उंगली कट जाना इतनी मामूली बात नहीं जो किसी को पता भी न चले। लेकिन उस जूस के ग्लास में ये उंगली आई कैसे? सॉफ्ट ड्रिंक में कटी हुई उंगली मिली और तुम लोगों ने पुलिस को फोन भी नहीं किया? यहाँ पे किसी का कोई हाथ नहीं कटा सर, हम उस लड़के और लड़कियों को भी बता चुके हैं सर। यहाँ पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती है लेकिन सर किसी की उंगली नहीं कटी सर। सर हमें लगा वो लोग हमें परेशान करने के लिए नाटक कर रहे हैं, रबर की उंगली ड्रिंक में डालकर हमारे होटल को बदनाम करना चाहते हैं। हो सकता है कि हमारे राइवल होटल ने भेजा हो। वो तब होता अगर वो उंगली रबर की निकलती, लेकिन वो उंगली असली निकली है समझे? किसी की उंगली कटी है या काटी गई है, किसी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए लेकिन एक टुकड़ा वो उंगली यहाँ रह गई। ये आप क्या कह रहे हैं सर, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ किसी का खून नहीं हुआ सर, मैं सच कह रहा हूँ। सर सबकी उंगलियां सलामत है। अच्छा वो जूस जो आपने सर्व किया था क्या वो कैंड जूस था या फ्रेश जूस था? सर जूस तो फ्रेश ही निकाला था सर। सर यहाँ पर सारा हम फ्रेश जूस ही देते हैं, उसमें कुछ नहीं मिलाते सिवाय बर्फ के। तो फिर उस लड़की के जूस में वो उंगली आई कहाँ से? ये लोग तो जूस में और कुछ मिलाते ही नहीं सिवाय बर्फ के। आप बर्फ रखते कहाँ? यहाँ पर सर, यहाँ पर। तुम लोग ये बर्फ लाते कहां से? वैसे हमारे पास अपनी मशीन है सर लेकिन कल वो मशीन खराब हो गई इसलिए फैक्ट्री से बर्फ मंगाया। आइस फैक्ट्री से? हो सकता है वो उंगली उस आइस फैक्ट्री के स्लैब में से आई है। ये आइस फैक्ट्री है कहां? कावेरी रोड पर। कावेरी रोड, ये दवाई लो। मैं नहीं खाऊंगी। कल्पना ये दवाई लो। मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा ना ये दवाई लो, चलो पानी लो। मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, नहीं मुझे नहीं खाना टैबलेट, मैं ठीक हूँ। मैं कुछ ऐसी ही दवाई दे देते मेम साहब को, पता नहीं क्या हो जाता है उनको दवाई खाने के बाद। शरद तुमने कौन सी गोली दी उसे? वो हल्की नींद की गोली थी। ऐसी क्या तकलीफ है उन्हें कि सोने के लिए भी दवाई की जरूरत पड़ती है? कुछ हफ्ते पहले उसके दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि उसकी रातों की नींद उड़ गई। करीबन 4 हफ्ते पहले मेरे पिताजी की मौत के बाद। क्या बात है? कल्पना को आत्माएं दिखाई देने लगी। कल्पना क्या हुआ? कोई भी नहीं है।
कौन है? तुम्हारे पिताजी। कल्पना, कल्पना तुम जानती हो ना पिताजी गुजर चुके हैं। फिर भी वो है। कल्पना मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? वो रो रहे थे। वो क्यों रोएंगे? वो रो रहे थे, वो कुछ कह रहे थे, वो कुछ मुझसे कह रहे थे। क्या तुम्हारे पिताजी की आत्मा रो रही थी और कल्पना ने उनकी आत्मा को रोते हुए देखा? जी हाँ सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। उसने जो कुछ भी देखा उसके बाद वो बिल्कुल बदल गई। उनकी मौत कैसे हुई? कार एक्सीडेंट में, करीबन 4 हफ्ते पहले। पिताजी कल्पना को बहुत प्यार करते थे। एक बात बताओ, कल्पना तुम पे ये इल्जाम क्यों लगा रही है कि तुम उसे मारना चाहते हो? इसी बात को तो लेकर मैं भी परेशान हूं सर, समझ में नहीं आता क्या करूं। मैं उसे डॉक्टर के पास भी लेकर नहीं जा सकता क्योंकि वो किसी से बात तक करना नहीं चाहती। उसे किसी भी वक्त मेरे पिताजी की आत्मा दिखाई देती है और वो बहुत डर जाती है। फिर कुछ ही देर में वो ठीक भी हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा उसे क्यों लगा कि तुम उसे मारना चाहते हो। वो इसलिए सर क्योंकि यह बात उससे किसी और ने कही थी। किसने? मेरे पिताजी ने। क्या? जी हाँ, उन्होंने। मेरे पिताजी की आत्मा ने उससे यह कहा था कि उनका बेटा यानी कि मैं उसे मारना चाहता हूं। तुम्हारे पिता की आत्मा ने? सालुंखे, अगर ये केस अचानक ना आ जाता ना, मैं हरगिज तुमसे बात भी नहीं करता। मगर क्या करूं, इस उंगली के बारे में जानना बहुत जरूरी था। ऐसे भी साहब, अगर डॉक्टर अंजलिका और डॉक्टर नियति यहां डॉक्टर नियति कॉन्फ्रेंस के लिए गई है, इसलिए मजबूरी में तुम्हारा चेहरा देखना पड़ रहा है मुझे। देखने में तो हम भी कुछ कम नहीं। हे भगवान, किस कंपनी के बनाए हुए मिरर में अपना चेहरा देखते हो तुम? दिखने में हम भी कुछ कम नहीं। और ये क्या, इस कटी हुई उंगली को और भी काट दिया तुमने? अगर इस उंगली का थोड़ा सा पीस काट कर चेक नहीं करता तो वो सबूत नहीं मिलता जो अभी मिला है। कौन सा सबूत? क्या पता चला है? नहीं बताता। अरे क्यों? मेरा चेहरा पसंद नहीं है ना। देख सालुंखे, जल्दी से बता दे, केस सॉल्व करना है। मैं लिख करके भिजवा दूंगा। मेरे बाप, तू देवानंद है? अभी वाला नहीं, पहले वाला। हाँ बता दे यार जल्दी। देखो ये उंगली बर्फ से जल गई। अरे यार कभी तो सीधी बात कर, बर्फ से कोई चीज जलती है क्या? हाँ जलती है। देखो जब बॉडी बर्फ में जम जाती है ना तो उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं, उस बॉडी के सेल्स नष्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसे कहते हैं बर्फ से जलना। इस उंगली के साथ भी यही हुआ है। ये उंगली कहीं बर्फ में दबी हुई थी इसलिए इसके सेल भी नष्ट हो गए। ये उंगली बर्फ में से आई है ये हमें भी पता है। वायदा क्या है लेकिन पता होने का? केस तो तभी आगे बढ़ेगा ना जब मैं अगली बात बताऊंगा इस उंगली का रहस्य। ये डॉक्टर सालुंखे क्या कर रहे हैं सर? मैं कोई भूत हूं जो मुझे देखकर हवा निकल गई? काश आप भूत होते तो हमें इस केस को समझने में मदद मिल जाती। हमें एक भूत मिल गया है। अच्छा, अभी अभी CID में आई हो और आते ही पंख निकलने लगे? अच्छा भूत का क्या चक्कर है? सर ये कल्पना नाम की औरत है, उसका कहना है कि उसके ससुर का भूत उसे बार बार दिखाई देता है और भूत ने उसे बताया कि उसका पति उसकी जान लेने वाला है। मतलब बाप की आत्मा अपने बेटे के खिलाफ बोल रही है? जी सर। यहाँ पहले एक उंगली ने नचा रखा है, ऊपर से ये भूत। उंगली? हाँ, एक रेस्टोरेंट में जूस के ग्लास में एक कटी हुई उंगली का टुकड़ा मिला है। तो ये पता लगा रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है या खून? ये खून है। खून है? हाँ,
उंगली काटने से पहले इस आदमी को जहर दिया गया है। यह आदमी जहर से मरा है। हॉल में क्या कर रहे हैं? अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो यहाँ पर? हम लोग सीआईडी से हैं। एक खून की तहकीकात चल रही है जो शायद यहीं कहीं हुआ है। क्या खून? और यहाँ क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास है या सच्चाई अभी पता चल जाएगा, समझे? अरे भाई, ये क्या कर रही है लोग? घबराओ मत, अगर यहाँ खून नहीं हुआ है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। और अपने ये वर्कर लोगों को बोलो कि अपना काम करें और तुम हमें इस फैक्ट्री का टूर करवाओ। चलो। लेकिन चलो। अब इसमें अमोनिया गैस है जो पानी को बर्फ बनाने में मदद करती है। फिर वो अमोनिया गैस इस पाइप के जरिए कूलिंग चैम्बर में जाती है जहां बर्फ बन के तैयार हो जाती है। लेकिन जब बर्फ बन रही होती है तो यही गैस बहुत गर्म हो जाती है, जिसको ये कंप्रेसर बाहर कंडेंसर में भेजता है, जहाँ से ठंडी होकर यही गैस वापस इस पाइप के जरिए आती है और फिर वापस यहीं जमा हो जाती है। सर, सब ये कूलिंग चैम्बर है जहाँ बर्फ बनके तैयार हो जाती है। सब इस लादी के अंदर पानी भरा जाता है, ये नीचे चली जाती है और फिर ये बर्फ बनकर तैयार हो जाती है। ऐसी 100 लादियाँ इस चैम्बर में हैं। कितना टाइम लगता है ये बर्फ जमने में? तकरीबन 36 घंटे। 36 घंटे मतलब जब यहाँ पानी भरा हुआ था तब वो खून हुआ और वो कटी हुई उंगली इस पानी में गिरी और बाद में बर्फ के अंदर जम के वहां रेस्टोरेंट तक पहुंच गई। सर, ये देखिए, ये बर्फ बनाने की फैक्ट्री नहीं, कोई बुचड़ खाना है। कितने धब्बे हैं खून के। चलिए मिस्टर आइसमैन, अब आपसे कुछ ठंडे सवाल करने हैं। जी फ्रेडरिक्स, ले चलो इसे। चलो। हेलो। अच्छा, हाँ ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। क्या हुआ? रात को जब मैं उठी तो साहब बाहर हॉल में थे, उसके बाद फिर वो अंदर चले गए। फिर सुबह जब मैं मैडम को उठा रही तो My God. फजिंदा, मिसेस कल्पना, मिसेस कल्पना। सर, इसके पति इसे रोज नींद की दवाई देते थे, शायद इसीलिए उठ नहीं पा रही है। मिसेस कल्पना उठिए, मिसेस कल्पना उठिए, उठिए। कौन है? क्या हो? इंस्पेक्टर? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग यहाँ मेरे बेडरूम में? मेरे शरीर को क्या हो गया? मेरे शरीर
कल्पना जी आप उन्हें हाथ नहीं लगा सकते। मैंने मारा। मैंने खून किया। मैं नहीं कर सकती। मुझे कुछ याद नहीं। मुझे कुछ याद नहीं। मैं कुछ नहीं जानती क्या हुआ। मुझे कुछ नहीं पता शरण। सर लगता है इनकी मौत करीब 4-5 घंटे पहले हुई। माफ कीजिए कल्पना जी, लेकिन कल रात यहाँ पर और भी कोई आया था? मुझे कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं मुझे। कल्पना जी आइए आप मेरे साथ बाहर आइए। वो मेड कह रही थी कि कल रात उसने शरद को कमरे के बाहर देखा था और जब हम यहां आए तो कमरे का दरवाजा खुला था। इसका मतलब है यहां कोई और तीसरा था। अभिजीत पता करो। सुनो कुछ पूछना है तुमसे। जी मुझसे? कल रात तुमने शरद को हॉल में देखा था, कितने बजे? रात के करीब 2 बजे थे। वो शरद ही था? शायद वो ही थे। कितने साल से काम कर रही हो तुम यहाँ? जी 2 साल से। और अभी तक तुम अपने सांप को ठीक तरीके से पहचान नहीं सकती? तुम्हें पता नहीं वो आदमी तुम्हारा सांप था या कोई और था? हॉल में अंधेरा था, उन्होंने नाइट सूट पहना हुआ था, मैंने उन्हें उसी से पहचाना। मतलब वो आदमी शरद के कपड़ों में कोई और भी हो सकता है? हाँ, लेकिन कल तो यहाँ पूरा दिन कोई भी नहीं आया। कल तुम यहाँ पूरे टाइम थी ना घर पे? जी वो मैं 10:30 बजे रात को 1 घंटे के लिए बाहर गई थी। 1 घंटे तुम घर से बाहर थी, तभी कोई घर में घुस गया हो। उस वक्त कल्पना और शरद कहाँ थे? सांप का तो पता नहीं, पर मेम साहब सो चुकी थी। और तुम भी वापस आके सो गई। और रात को तुमने किसी को देखा, तुम्हें लगा वो शरद है, लेकिन वो कोई और भी हो सकता है। हेलो, क्या हम लोग अभी आते हैं? अरे भाई तुम हमारा मच्छी क्यों नहीं दे रहा है? कल पैसा पूरा एडवांस लिया और अभी नाटक कर रहा है। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या हुआ, क्या बात है? देखिए ना साहब, वो मच्छी के लिए लोग क्या है साहब, हमारा रोजी रोटी क्यों बंद किया साहब? देखिए यहाँ पे एक तहकीकात चल रही है, इसलिए हम लोगों ने आइस फैक्ट्री को बंद किया हुआ है। लेकिन साहब हमारा मछली क्या गुनाह किया, उन्हें तो छोड़ दो, मछली बिगर हम धंधा क्या करेंगे? हाँ साहब मेरी मछली मुझे दे दो साहब, मुझे इसी वक्त चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन हम लोग हर बास्केट को चेक करेंगे फिर आप लोगों को देंगे। चलेगा साहब, चलेगा। चलो दिखाओ किधर। आई साहब इधर किधर। चलो देख शुरू हो जाते हैं। सब 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 उसको आग लगाइए सब। क्यों क्या है सर?
सर ये तो पता नहीं, लेकिन मालिक ने 6 दिन पहले इसको यहाँ रखवाया था और कहा था कि कोई भी हाथ नहीं लगाएगा इसको। सारी खिड़कियां अंदर से बंद है, इसका मतलब खूनी दरवाजे से ही आया और दरवाजे से ही बाहर गया है। अगर खूनी दरवाजे से बाहर गया है तो जरूर उसके पैरों के निशान जमीन पर मिलेंगे। फ्रेडरिक, फ्रेडरिक कैमरा लाओ। कुछ मिला क्या? शक यकीन में बदल रहा है। इस कमरे में शरद और कल्पना के अलावा कोई तीसरा आदमी भी था जिसके जूते के सोल में खून लगा हुआ था और हमारे लिए वो अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ गया है। आपको शक है कि खून होते वक्त वहां कोई तीसरा आदमी भी था तो इससे पता चल जाएगा कि वहां कोई था या नहीं। तुम्हें लगता है कि छोटा सा मांस का टुकड़ा खूनी के हाथ का है? लगता तो यही है, बाकी तो ऊपर वाला जाने। तो ये बोलकर अलग हो गया कि ऊपर वाला जाने, कसम भी बोल सकते ये ऊपर वाले बता वो लड़की सच बोल रही है या झूठ। 2 मिनट रुक जाओ, ऊपर वाले के हाथ क्यों जोड़ते हो? मैं ही बता दूंगा। अच्छा हाँ, और क्या? इस डीएनए टेस्ट से सब पता चल जाता, ये फिंगरप्रिंट्स का भी बाप है। कोई भी दो आदमियों का डीएनए अलग होते। मैंने शरद की वाइफ के थूक का सैंपल लिया था, उसे चेक किया तो ये क्या? क्यों हवा निकल गई रिजल्ट देख के? अरे लड़की ठीक कह रही है, खूनी कोई बाहर का ही आदमी है। बाहर से किसी ने आके इसका खून कर दिया और इसकी बीवी इसके बाजू में पड़े पड़े सोती रही। सर इसने अपनी बीवी को खुद नींद की दवाई दी थी, अगर वो जगी होती तो शायद इसे बचा भी सकती थी। सर वो मेड झूठ बोल रही है, उसे मालूम है वो आदमी कौन है जिसने ये सब किया। मतलब मेड इस खून में शामिल है। सर मरने से पहले इस आदमी ने कुछ तो आवाज निकाली होगी चीखने चिल्लाने की, उसने आवाज तक नहीं सुनी और वो कह रही है कि वो सो रही थी। अरे बाप रे, अब क्या हुआ? सर ये तो नई बात पैदा हो गई। अब क्या निकाल दिया? सर दया और अभिजीत आइस फैक्ट्री से जो लाश के टुकड़े लेकर के आए थे उससे तो कमाल हो गए। ये किसका डीएनए? ये तो शरद का डीएनए। और ये? ये शरद के बाजू में जो लेटा उसका है। मतलब जिसकी उंगली हमें जोश से मिली है। हाँ, दोनों का डीएनए सेम है। मतलब दोनों के बीच में कोई ना कोई रिश्ता है। हाँ, मुझे ऐसे ही ख्याल आया कि एक के बाद एक खून हो रहे हैं तो कहीं इन दोनों में कोई कनेक्शन तो नहीं है, इसलिए मैंने इन दोनों का ही डीएनए टेस्ट निकाल लिया। तो रिश्ता क्या है? ये आदमी शरद का बाप। What? आइए मिसेस कल्पना। मुझे क्या क्यों लेकर आए हैं? शरद की वजह से? जी नहीं, हमने आपको इस आदमी की पहचान करने के लिए बुलाया है। अरे ये तो मेरे ससुर हैं, ये मेरे ससुर हैं। आप लोगों को कहाँ से मिली? एक्सीडेंट में इनकी कार पूरी तरह से जल गई थी। कब हुआ था एक्सीडेंट? लगभग 4 हफ्ता पहले। नहीं, 4 हफ्ता पहले नहीं, सिर्फ 7 दिन पहले। क्या आपने खुद अपनी आंखों से इनकी डेड बॉडी देखी थी?
नहीं सर, किसी ने इनकी गाड़ी को पहाड़ी से गिरते हुए उसके बाद में उसमें आग लगते हुए देखा। कल्पना जी, हमें लगता है कि जिसने आपके पति का खून किया है उसी ने आपके ससुर को भी मारा है। क्या? क्यों? लेकिन क्यों किया ऐसे? क्या आपके ससुर की किसी के साथ दुश्मनी थी? मैं नहीं जानती सर। वो आइस फैक्ट्री के मालिक मिस्टर जतिन, क्या आप उनको जानती हैं? मैं कुछ नहीं जानती हूँ सर। सर, क्या क्या उस जतिन ने मेरे पति और मेरे ससुर का खून किया है? हो सकता है। कल्पना जी, प्लीज कंट्रोल है सर। आप मेरे साथ आ रहे हैं, चलिए। सर, ये जतिन अभी तक फरार है। उसकी फैक्ट्री पे और घर पे लगातार नजर रख रहे हैं, मगर कुछ पता नहीं चल रहा है। इसी मिसा, और भी कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए सर, 400 साल पुराने। हाँ, एक चीज होती है कार्बन डेटिंग प्रोसेस, उससे पता चलता है कि कोई चीज कितनी पुरानी। मगर ये आदमी तो अभी अभी कुछ दिनों पहले मरा था। 400 साल पुराने पत्थर इस आदमी के पैर के नीचे कैसे आ गए? देखो, ये तो नमक लगता है। इस आदमी को किसी ऐसी जगह पर रखा गया था जो समुद्र के बहुत पास थी। समुद्र के किनारे 400 साल पुराना तो कोई फोर्ट ही हो सकता है, जैसे वसई फोर्ट या मडालन का किला। मठ का किला होगा। जतिन की आज फैक्ट्री जहाँ से ये लाश मिली है वो भी मठ में ही है सर। ये जतिन शायद मठ के किले में ही छुपा बैठा होगा। कल्पना, देखो, मैं कह रही हूँ
देखो गिर गई तो बच नहीं पाओगी। नहीं मैं कुछ नहीं होगा मुझे, मैं वही रहना, हिलना नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बोल दे रही हूँ। मैं मेरी बात मानो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नहीं कभी नहीं। कल्पना मेरी बात मानो, वही रहो, मैं कह रही हूँ वही रहो, मैं आगे नहीं बढ़ना, मैं कूद जाऊंगी, मैं कूद जाऊंगी, मैं कह रही हूँ वही। कल्पना तुम गलत कर रही हो, रुक जाओ। देखो कल्पना मेरी बात सुनो, नहीं मैं रुक जाओ, बिल्कुल कल्पना जी हमें उम्मीद नहीं थी कि आप भी यहाँ मिले और वो भी जतिन की साथी बनकर। साथी? जतिन मेरा साथी है, बल्कि मैं इसकी पत्नी हूँ। हाँ ये एक साजिश थी, सोची समझे, मेरा शरद से शादी करना, उसके बाद मेरे ससुर की एक्सीडेंटल मौत और फिर आत्मा का नाटक करके शरद का खून करना। सारा प्लान कल्पना नहीं बनाया था, इसने शरद से शादी की, उसके पिता की नजरों में एक अच्छी बहू बनी। हम उन दोनों को धीरे धीरे जहर देकर खत्म कर देना चाहते थे ताकि कल्पना पर कोई शक ना कर सके और सारी दौलत कल्पना के नाम हो जाए। जब एक रात हम दोनों फोन पर बात कर रहे थे, प्लान के हिसाब से मैंने बुड्ढे को स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 दिन। एक बार इस बुड्ढे का काम खत्म हो जाए उसके बाद इसके बेटे को भी देख लेंगे। शरद के पिता ने सब कुछ सुन लिया था, हमें लगा कि हमारा भांडा फूटने वाला है, मैंने और कल्पना ने उन्हें बेहोश किया और यहाँ ले। लेकिन यहाँ तुम उसे मार नहीं पाए, उसे अपनी आइस फैक्ट्री लेकर गए और उसे मारकर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि पता ही ना चले लाश किसकी है। लेकिन एक कटी हुई उंगली ने तुम्हारा पता बता ही दिया। कल्पना जी पागलपन का नाटक तो अच्छा किया था ताकि किसी को पता न चले कि बाप बेटे के खून में इनका भी हाथ था। चाल तो अच्छी चली थी लेकिन सीआईडी की चाल के सामने मात खा गए। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।